पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से फिर मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ अमर्यादित भाषा के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। निष्पक्ष मतदान के लिए असामाजिक तत्वों को हिरासत में लेने पर जोर। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। आज रात 10 बजे ही पश्चिम बंगाल में थमेगा प्रचार। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री का ममता सरकार पर निशाना। कहा, ममता ने तस्करों और टोलाबाजों का सिंडिकेट बनाया। बंगाल के विकास पर स्पीड ब्रेकर भी लगाया। उत्तर प्रदेश के मऊ रैली में भी कहा, ममता दीदी यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को बाहरी बताकर कर रही है राजनीति, पर मायावती खामोश। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और बलिया में जनसभा। महाराजगंज में केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पटना में और एसपी बीएसपी आरएलडी की वाराणसी में जनसभा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकवादी मारा गया। पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जैश के 3 आतंकी ढेर, एक नागरिक और सेना का एक जवान शहीद। अफगानिस्तान के साथ सामरिक साझेदारी बढ़ाने की तरफ भारत का बड़ा कदम। भारत ने अफगानिस्तान को दिया 2 MI-24 लड़ाकू हेलीकॉप्टर। मार्च 2018 में अफगानिस्तान, बेलारूस और भारत ने MI-24 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए किया था द्विपक्षीय समझौता।